चलिए आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आप सबको स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मल प्रणाम। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन नक्की एक्सपेक्ट करके चलना चैप्टर के अंदर से आता ही है। कभी कभी अगर आप 2015-16 के आसपास के टाइम पे पेपर देखेंगे तो शायद तक 10-10 नंबर के आसपास भी क्वेश्चंस आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए एग्जामिनर इसको अपना फेवरेट क्वेश्चन ट्रीट करता है। सो बी अश्योर्ड कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर सिंपल है तो इट इज सिंपल, बट अगर आपने इस लेक्चर को कहीं पर भी मिस मारा, एक छोटी सी लाइन पूरे केस का मतलब बदल देगी। अभी इस एक घंटे के लेक्चर में आपको कितनी जगहों पे नई नई चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जानने को मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए हाँ जी, आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। मैं सबसे बेसिक स्टार्ट करना चाह रहा हूं यार, आप लोग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड कंज्यूमर। सबसे पहली बात, अगर अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। भाई आपका कहना है कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो गुड्स कंज्यूम करता है, जो कंज्यूम करता है गुड्स, दैट्स इट, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ठीक है, आपने कहा कि भाई कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, दैट्स इट। और कुछ फॉर पर्सनल नेचर, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु परचेजेस गुड्स बाय पेइंग फुल पेमेंट, तब भी वो कंज्यूमर है। एक अगर उसने फुल पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ पार्टली पेमेंट किया है, तब भी वो कंज्यूमर है। दो, अगर उसने पार्टली नहीं, उसने डेफर्ड पेमेंट किया है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, ईएमआई के ऊपर भी लिया है, तब भी वो कंज्यूमर है। तीन, तो यहां पे एक चीज गांठ बांध के याद रख लेना, कंज्यूमर होने के लिए पेमेंट करना जरूरी नहीं है। यहां तक एक चीज ध्यान देगी बेटा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तब भी आप कंज्यूमर हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक दुकान पे गया, मैंने बोला भाई घी का डब्बा देना, पैसे खाते में लिख ले, घर लेके गया घी अडल्ट्रेटेड था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं हूं? हो, अभी तक पैसे दिए थे नहीं दिए थे, फिर भी कंज्यूमर हूं। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इज कि पेमेंट सेकेंडरी है, बात कंजम्पशन की है। अगर आपने कंज्यूमर कहलाना है तो आप उस चीज को कंज्यूम करने चाहिए, सबसे पहली बात। सो अंडर द कंज्यूमर्स डेफिनेशन वी से एनी पर्सन हु हैज पेड फुल कंसिडरेशन, हु हैज पेड फुल कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, दोनों ही केसेस के अंदर ये बंदा कंज्यूमर कहलाने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। सो एनी पर्सन जिसने फुल या फिर पार्ट पेमेंट किया है फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज। अब बेटा यहां पे क्या चीज नोटवर्दी है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट जस्ट अ सेकेंड, सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। याद रहेगा, खाली गुड्स नहीं, सर्विसेज भी आती हैं। तो आपने गुड्स लिए, आपने सर्विसेज ली, बोथ क्वालिफाई, ठीक है। ये भी हो गया भाई। कमिंग बैक, फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, अब सबसे असेंशियल फीचर फॉर कंजम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ बिकमिंग अ कंज्यूमर। अगर ये फीचर नहीं है, आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक होलसेलर हूं, ठीक है।
या फिर मैं एक रिटेलर हूं, रिटेलर का एग्जांपल लेते हैं, जो शॉप से सामान सेल करता है। आप लोग आए मेरे पास घी का डब्बा लेने, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं खुद तो घर पे घी बनाने नहीं वाला, आई एम गोइंग टू बाय इट फ्रॉम समवेयर और फिर मैं आपको आगे सेल करूंगा। सवाल ये उठता है कि जब मैंने ये सामान उठाया, मैं यहां पे लेके आया ये गुड्स को, मैंने आपको सेल किया और आपकी तबीयत खराब हुई, यार कहीं ना कहीं मेरी भी रेपुटेशन खराब हुई है कि मैं खराब चीजें रखता हूं। कैन आई फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम? द आंसर इज नो। एनीवन जो गुड्स खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल will never qualify to become a consumer under Consumer Protection Act 1986. तो इस चीज के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ कौन कहलाएगा? जो कंजम्पशन कर रहा है। जो कंजम्पशन नहीं कर रहा वो कंज्यूमर नहीं है, बात खत्म। अब नेक्स्ट चीज, सेम एग्जाम्पल, मैं गया, अच्छा अब इस बार एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मैं गया एक बाइक के शोरूम पे, बाइक खरीदी, बढ़िया चल रही थी, एकदम मस्त, घूम घूर के घर आया, घर जैसे ही पहुंचा तो मेरे पड़ोसी का बच्चा दौड़ते हुए आया कि भाई एक सेकंड गाड़ी की चाबी दे। मैं कहाँ जा रहे हैं? बोले बस यार अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने जा रहा हूँ। मैं ले पकड़ जा। उसने गाड़ी चालू की, आगे गया, गाड़ी चला ही रहा था विदाउट हिज फॉल्ट, गाड़ी के इंजन में डिफेक्ट था, इंजन के अंदर से ऑयल लीक होने लगा और गाड़ी में आग लग गई। ही गॉट डाउन फ्रॉम द बाइक और उसका पाँव भी थोड़ा सा जल गया। मेरा पूछना है कि केस एज अ कंज्यूमर कौन करेगा, मैं या वो? वो। वापिस आप सब लोग कंसिडरेशन पे अटक रहे हो। मैंने आपको क्या बोला था? टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर द पर्सन शुड हिमसेल्फ कंज्यूम द गुड्स। पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अगर आपने वो चीज यूज की, किसके कहने पे? मेरे कहने पे, तो आप उस चीज के कंज्यूमर माने जाओगे, कंप्लेन आप करेंगे। तो वापिस से पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। अभी श्योर इनफ आ जाइए, कंसिडरेशन चाहे फुल दिया हो चाहे पार्ट दिया हो, फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रीसेल। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं। एंड नॉट फॉर रीसेल, अब इसके हल्का सा आगे जाते हैं, एंड includes any person, and includes any person to be a consumer who was using this product, who was using this product with the permission of the owner, with the permission of the owner. एकदम श्योर? कोई डाउट हो तो बोलो, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब बेटा ना एक चीज समझना, अपन ने अभी क्या बोला कि भाई आप कोई गुड्स ले रहे हैं, आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर आपने कंज्यूम किया या फिर आपके कहने पे किसी और ने कंज्यूम किया और उससे उसे कुछ भी दिक्कत होती है वो कंज्यूमर के अंदर आ रहा है। अभी तक आपने ये सब पढ़ा। अब बेटा एक फीचर जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मान लीजिए अभी बीच में ना अपने यहाँ पे बहुत फ्लू की बीमारी चली थी कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे, आप चिकनगुनिया कह लीजिए या फिर स्वाइन फ्लू ये सब कह लीजिए, जिसकी कोई अप्रोप्रिएट मेडिसिन मिल नहीं रही थी। इफ यू रिमेंबर तो रस्ते में कैंप लग रहे थे जिसमें ना वो काढ़ा पिला रहे थे, इफ यू रिमेंबर, छोटा तथा इतना ब्लैक कलर का ऐसा कुछ तो जला भुना काढ़ा था, ठीक है, आधे लोग तो शौक शौक में पी गए थे, उन्हें बाद में पता पड़ा हाँ कि काढ़ा है वो, तो वो लोग पहुंच गए ठीक है, तो आप लोग उधर जाके आ गए, अच्छा काढ़ा पी लिया, पर काढ़ा पीने के बाद कोई फायदा नहीं हो रहा भाई साहब, वैसा का वैसा ही फ्लू है, आप वही चिकन की तरह उड़ रहे हो, कुछ फर्क नहीं। हाँ तो अभी माय क्वेश्चन इज, आर यू अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इफ यू आर अ कंज्यूमर तो आप मतलब मेरे खिलाफ केस भी कर पाओगे? सालो मैंने तुमको कुछ पैसे लिए, मैंने तुमको बुलाया,
खुद आए थे ना, तो यहां पे एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी सर्विस, अगर कोई भी गुड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, अगर आपको कोई भी सर्विस या फिर गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप कभी भी कंज्यूमर नहीं कहला सकते। सर अभी तो आप बोले थे कंसिडरेशन फुल्ली पार्टली, बेटा मैंने क्या कहा था, कंसिडरेशन पेड हो या ना हो, मैंने ये नहीं कहा था कि उस चीज की प्राइस हो या ना हो, चीज की प्राइस होना बहुत जरूरी है, बट कंसिडरेशन आपने अभी तक दिया था या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो विद दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको एक कंज्यूमर की डेफिनेशन में लेके आता है, जो कहता है कि अगर इफ देयर इज एनी सर्विस और एनी गुड्स फॉर विच मनी हैज नॉट बीन चार्ज्ड, आपको पैसे चार्ज नहीं किए गए, ऐसे टाइम पे व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, यू विल कैसे बंद होता है भाई, बाय 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 बाय, यार ये क्या है, कैसे करते हैं सुबन यार, ये ऐसा लैपटॉप मैंने कभी यूज ही नहीं किया, हो गया आ जाइए आ जाइए, यू विल नॉट क्वालिफाई टू बी अ कंज्यूमर, सिंपल है, अभी तक कोई डाउट बेटा, प्लीज ध्यान दो, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है, नेक्स्ट अप, तो क्यों किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को जाके क्या बोलेगा कि तेरा किस चीज का नुकसान हुआ, ऐसे केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के अंदर कोई इलाज नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम क्या बोलेगा, अप्रोप्रिएट रेमेडी मैं नहीं हूं। अच्छा एक सेकंड, उसके क्वेश्चन का मतलब समझे, उसने क्या पूछा कि सर मान लो कि रस्ते में कोई काढ़ा पिला रहा था, अबे काढ़े के नाम पे जहर पिला के चला गया, यहां अपना तो टिकट जबरदस्ती कट गया, अभी यहां पे जो टिकट कटा है इसके लिए भाई को कॉम्पनसेशन देगा कौन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या बोला, मेरे पास मत आ अगर कभी भी तेरे साथ कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिसके ऊपर तूने कोई प्राइस पे नहीं करी और तेरा लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में द बेटर रेमेडी विल बी इन द कोर्ट एंड नॉट इन द कंज्यूमर कोर्ट, याद रहेगा, हम ये नहीं बोल रहे कि आपके पास रेमेडी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपके पास रेमेडी नहीं है। चलो एक दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सी कि आपको कितना आया इसमें, पूरा केस पहले समझना, पहले ही बंदूक लेके गोलियां मत फायर करना, अपोलो हॉस्पिटल सबने नाम सुना हुआ है, तो मैं क्या करूं, अपोलो हॉस्पिटल में भाई यार, या तो मैं बोल लूंगा या फिर तुम बोल लो, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आपने क्या बोला कि भाई ये कैंप लगा है फ्री कैंसर चेकिंग कैंप, फ्री कैंसर चेकिंग कैंप, द वर्ड इज फ्री कैंसर चेकिंग कैंप, एक मेरे फ्रेंड है हरीश नाम के, वो वहां पे गए कैंसर चेक कराने, उन्होंने टेस्ट कराया, जैसे ही उन्होंने फ्री नाम देखा तो एक्साइट हो गए, उन्होंने कहा दो बार करना टेस्ट, ठीक है, अपोलो ने कहा ठीक है दो बार करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, चार बार करेगा टेस्ट, ठीक है, तो उन लोगों ने भी चार बार अलग अलग तरीके से खून निकाला और टेस्ट किया, ठीक है, साला मेरा टाइम खरा था, ये वीडियो दिखा देना साले को जाके, हाँ फ्री कैंसर चेकिंग, चार बार टेस्ट हुआ, चारों बार टेस्ट में एक ही चीज आई, प्लीज इसको यहां से भगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, एकदम ठीक, सो एवरी टाइम द रिपोर्ट वॉज नेगेटिव, ठीक, बंदा निकल लिया अपने घर, बढ़िया एकदम चिल, घर जाके सो रहा था, दस दिन बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई और जब उन्होंने चेकिंग कराई तो डिटेक्ट हुआ कि देयर इज कैंसर एट फर्स्ट स्टेज, मैं ठीक कर रहा हूं उसको, मेरे एग्जाम्पल में इतना रो मत, हाँ देर इज कैंसर एट फर्स्ट स्टेज,
अब मेरा सवाल क्या है, कैन मिस्टर हरीश द पर्सन ऑलवेज ऑन टाइम कैन ही फाइल अ केस अगेंस्ट अपोलो हॉस्पिटल? व्हाई यार, पर सर्विस लिए बंदे ने, तुम पे विश्वास किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम आपको प्रोटेक्शन नहीं देने वाला इसके अंदर, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बोलता है फोकट में किया था ना, फोकट में जो मिलता है चुप करके लेके निकलो, यहां तक एकदम ठीक है। सो इन दिस केस देयर लाइज नो रेमेडी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। श्योर इनफ? ठीक है, लेट्स गो हेड। अगर इसी केस में द सर्विसेज वर चार्जेबल तो तब आप बोलते कि यस, अब तो भाई तू कंज्यूमर के लिए क्वालिफाई करता है। श्योर है बेटा? ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई है, ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दो वैलिड केसेस हैं जो अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब है ना, एक मिनट दिमाग लगाना एंड थिंक ट्वाइस बिफोर आंसरिंग फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, कंपनी का नाम है चार बार लिमिटेड, चार बार लिमिटेड, ठीक है। चार बार लिमिटेड कंपनी के अंदर आप लोग पिछले 3 इयर्स से एम्प्लॉयज हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो। मेरा पॉइंट है कि आप जब चार बार लिमिटेड में काम कर रहे थे और आपके साथ मान लीजिए कि कुछ गलत होता है, गलत कैसे, मान लीजिए कि एम्प्लॉयर बोलता है कि मैंने तो इसको पैसे दिए थे और फिर भी इसने अच्छे से काम नहीं किया। बात समझना, आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट। चार बार लिमिटेड के अंदर व्हाट्स योर नेम, अक्षय, अक्षदा, हाँ वही मैं कह, काफी मैनली नेम है अक्षदा, राइट। तो अक्षदा चार बार लिमिटेड के अंदर 3 साल से काम कर रही है और आज उनके एम्प्लॉयर है हरीश सर। हरीश सर ने कहा कि नहीं, आप जितना पेमेंट ले रहे हो आपने वैसी सर्विस नहीं दी, आपने इतना अच्छा काम नहीं किया, बात खत्म, ठीक है। क्या हरीश सर कंज्यूमर फोरम के अंदर जा सकते हैं? वापस सुनना, क्या हरीश सर कंज्यूमर फोरम के अंदर जा सकते हैं इसके खिलाफ डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस फाइल करने? एक सेकेंड, तेज तलवार लेके मत दौड़ो, क्वेश्चन समझो, क्या इस केस में हरीश सर कंज्यूमर है कि नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन दो, लेट्स हैव एन आर्ग्यूमेंट, क्यों नहीं है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई? तो क्या हो गया उसमें? अरे यार, मैं आज एक नाई की दुकान पे गया, मैंने नाई को बोला मेरे बाल काट, आड़े टेढ़े बाल काट दिए, कंप्लेन नहीं करूंगा उसकी? कंज्यूमर नहीं है, मैं कंज्यूमर नहीं था उसकी सर्विस। अच्छा, तो फिर मेरे को सर्विस में एक एग्जाम्पल दे दो, एक सर्विस में एग्जाम्पल दे दो। तो अगर तुम नाई की दुकान को सर्विस के अंदर नहीं लाते हो, एम्प्लॉयमेंट को सर्विस के अंदर नहीं लाते हो, तो क्या है सर्विस आपके हिसाब से? एक एग्जाम्पल बस हमको। ए, साले मेरे पे क्यों जा रहे हो? मैं जो दे रहा हूं वो सर्विस है। अच्छा, हरीश सर एक मस्त संडे के दिन एकदम रिलैक्सेशन के मूड में थे। मैं क्या बोला, रिलैक्सेशन के मूड में थे, तो वो गए मसाज कराने। तुम सब लोग क्यों तेल में डूब रहे हो? बारह सब गए मसाज कराएं सर। अच्छा, सर ने वहां जाके कहा कि देखो भाई, मेरे को कोई एकदम हट्टा गट्टा तंदुरुस्त आदमी दो जो एकदम मस्त मुझे तोड़ के मसाज करे, जिसको जिस तरीके का समझना है आप समझ सकते हैं। मैंने मेरा वर्जन बताया ऑन कैमरा। हाँ, तो सर गए मसाज कराने, बंदे ने भाई साहब मसाज की धड़ धड़ धड़, मान लो कि मसाज वाले के अंदर मैं आ गया था, एक आध हड्डी तोड़ के उल्टी दे दी। हरीश सर गए ऐसे थे पर आए बाहर ऐसा, यहां तक सब साथ में। हरीश सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब जा सकते हैं, क्यों? टांग तोड़ दी मैंने इसलिए। हरीश सर अल्टीमेट कंज्यूमर है। अच्छा ठीक है, मैंने अक्षदा को अपॉइंट किया ओनली फॉर माई वर्क, ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर माई वर्क, मेरी एंटरप्राइज ही नहीं है, मैं अकेला वेला आदमी, मैंने इसको अपॉइंट किया। मैं कहा आप मेरे नोट्स टाइप करेंगे, ठीक। इसने कहा करूंगी टाइप 20,000 पर मंथ सैलरी। मैं कहा नक्की मिल जाएंगे आपको, आप तो टाइप करिए। अच्छा, टाइपिंग में इसने पता नहीं क्या लिख रखा है, अपील को एप्पल लिख रखा है, वो वाले पे आ जाओ, सब कुछ लिख रखा है आड़े टेढ़ा। माई क्वेश्चन, मैं इनके खिलाफ डेफिशिएंसी इन सर्विस फाइल कर सकता हूँ कि नहीं? देखा, अब आप लोग क्या कर रहे हो, आपके हिसाब से सर्विस मतलब तेल मसाज लेना, गाड़ी की सर्विस कराना। बेटा हर चीज सर्विस है,
इसी वजह से मैं अब आपको नेक्स्ट दो टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो इस चैप्टर के एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जिसे आप बुलाते हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एकदम ठीक है, चलिए उसी के लिए बता रहा हूं, उसको बता के एम्प्लॉय वाली बात पे आते हैं बेटा, आ जाइए। एक सेकेंड बस मैं आपका वो रिक्वेस्ट नोट निकाल दूं। ठीक है, आ जाए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अच्छा बेटा फर्क समझना, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार में समझो। आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कहां कैसे जाना है। एक बार बात समझना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मेरे लिए काम करिए। बेटा हमेशा याद रखना, अगर वर्ड आ रहा है आप मेरे लिए काम करिए तो यहां पे इंप्लाई करता है कि सामने वाला बंदा अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से काम करेगा। लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड इन अ ऑफिस, ही कैन बी टोल्ड कि उनसे क्या काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पर उनको यह नहीं बताया जाएगा कि आप कैसे काम करेंगे, ये वाला काम आप करो, ये वाला काम आप करो। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशन क्रिएट करता है, जिसमें जिसमें जो बंदा इन्हें अपॉइंट करता है, द पर्सन अपॉइंटिंग, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन ओनली, जस्ट अ सेकेंड, कैन ओनली टेल वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटेड, वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटेड। सिंपल है। अब बेटा एक बात समझना, ये बंदा काम कर रहा है, क्या ये बंदा जो इंप्लॉई है, इंप्लॉई का मतलब समझते हैं सब, जिसको अपन ने अपॉइंट किया है, ये जो इंप्लॉई है क्या ये खुद की डिजायर पे काम कर रहा है, अपनी विलिंगनेस पे काम कर रहा है, कर रहा है, खुद के स्किल्स यूज कर रहा है, खुद का ही डिलीजेंस यूज कर रहा है। डिलीजेंस का मतलब समझते हैं, इसका दिमाग, इसकी क्षमता, इसके हिसाब से काम कर रहा है। नो वन इज आस्किंग हिम एनीथिंग हाउ टू बी डन, हम सिर्फ इसे बता रहे हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट किया गया है, खत्म। सही है, कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बन रहा है। अब बेटा ऐसे केस में आप क्या मानते हो कि यहां पे मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं होता है? आप मानते हैं यहां पे मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है? क्योंकि अगर ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता तो सर्वेंट को मैं जैसा बोलता उसे वैसे काम करना चाहिए था, जबकि ये अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसीलिए आपको कभी भी यहां पे हम इंप्लॉय की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप एक प्रोफेशनल इंसान है जो अपनी सर्विस देने आ रहे हैं। यहां तक एकदम ठीक है? इधर तक बेटा किसी को डाउट हो तो बोलो। लिख लिया? एविडेंस बैक। चलिए अब बेटा हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की। जब आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा? सेम, आप किसी को जॉब ऑफर कर रहे हैं पर यहां पे दैट गाय विल बी वर्किंग अंडर योर डायरेक्शन,
अंडर योर डायरेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लॉयर आपको बताएगा व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन. मतलब द इंप्लॉयर इज गोइंग टू टेल यू हाउ द वर्क इज टू बी डन. आ गए यहां तक? द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू टेल यू हाउ द वर्क इज गोइंग टू बी डन. अच्छा, अगर आपको एम्प्लॉयर बता रहा है कि काम कैसे करना है तो आप तो अपना कुछ प्रोफेशनल दिमाग लगा ही नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हो. तो क्या मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं पे यहां पे कौन सा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, मास्टर सर्वेंट का? यस, यहां पे मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है. दिख रहा है क्या आपको? अब बेटा ये दो तरीके की सर्विसेज होती हैं. पहली सर्विस जहां पे एक प्रोफेशनल इंसान खुद का दिमाग लगा के काम कर रहा है. अच्छा एक सेकेंड, अब बात समझना. आप मुझे बताओ, मैंने वंशिका को अपॉइंट किया और वंशिका को बोला वंशिका आपने ये काम करना है. आप देख लीजिए जैसे आपको खत्म करना है ये काम खत्म कर लीजिएगा. उन्होंने काम करते वक्त गलती कर दी, ये केस वन. केस टू, मैंने वंशिका को अपॉइंट किया, मैंने कहा आपको ये काम करना है और कैसे करना है मैं ये भी आपको बता रहा हूं, आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे. उस बेचारी ने वैसे ही काम किया पर फिर भी काम गलत हो गया. दोनों ही केसेस में काम गलत है, सही बात है. अब मेरा पूछना यह है, आपके हिसाब से मैं कब वंशिका के खिलाफ केस कर सकता हूं? फर्स्ट वाले केस में. सर, उसने कहा सर पहली वाले में आप क्यों केस कर पा रहे हो? क्योंकि आपके डायरेक्शन में नहीं, उसने अपने हिसाब से काम किया था, इसीलिए हम मान सकते हैं कि उसकी सर्विस में डेफिशिएंसी है. यहां तक साथ में? आपके हिसाब से उसने काम किया इसीलिए हम मान सकते हैं उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है. जबकि जो दूसरा केस है, दूसरा केस क्या था जहां पर अपन ने बोला कि मैंने उसको बताया कैसे काम करना है, यहां पे कोई डेफिशिएंसी नहीं थी क्योंकि उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम किया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए क्या कहता है कि बात समझ भाई, जहां पर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वहां पे तो मैं तेरे को कुछ नहीं करके दे सकता. क्यों? क्योंकि यहां पे डेफिशिएंसी जो आई है वो मास्टर की खुद की गलती से आई है. बट क्या आप लोग इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो कंज्यूमर फोरम के सामने जा सकते हैं क्या मित्रों? वेरी गुड. Yes, it is permissible. तो with this मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने भी खुल्ला का कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को मेरे परव्यू से एक्सक्लूड कर रहा हूं और मैं सिर्फ किसको अपने अंडर ले रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को अपने परव्यू के अंदर लूंगा. और लॉजिक भी क्लियर है एकदम कि क्यों अपन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को अपने अंडर ले रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को अपने अंडर लेने ही बनता है. क्यों? क्योंकि यहां पर जो सर्विस थी बहुत प्रोफेशनल नेचर की थी. अब बात समझिएगा, आप लोग एक डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करने, सर्विस लेने जा रहे हो. डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, मंजूर कर देंगे ऑपरेशन. डॉक्टर को आपने बोला देखो भाई अच्छे से ऑपरेशन करना, थोड़ा सा बढ़िया एकदम ढंग से सीना वापस से. उसने कहा देख लूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ठीक है. डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपने कहा देखना एक दो टांके ज्यादा लगे ज्यादा लगाना. डॉक्टर ने कहा सो ना भाई, तो सुला दिया आपको. ऑपरेशन किया, यहां पे ऑपरेशन सही नहीं हुआ. आप मुझे बताएं आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? आओगे? क्यों? सर अपन ने तो सिर्फ डॉक्टर को यह बताया कि यह प्रॉब्लम थी, उसने अपनी प्रोफेशनल सर्विस दी है. मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि ऑपरेशन में मुझे जागा हो रख, मैं जो बताऊंगा ये वाली तार कट कर देना ये वाली लगा देना, नहीं ना. वो अपने हिसाब से अपने स्किल्स पे काम कर रहा था. वो पिक्चर देखी क्या, ओम मंगलम मंगलम? कौन सी मूवी थी वो? देखा, अपने बच्चे ऐसे होने चाहिए बेटा. पास होने के लिए पिक्चर देखना बहुत जरूरी है, प्लीज लिस्ट बनाना चालू करो. कंबख्त इश्क मूवी अगर नहीं देखी थी तो प्लीज अभी देख लेने का. वो करीना कपूर घड़ी भूल गई थी अंदर, याद है पूरी पिक्चर में इधर उधर भागती रही थी कि अगर वो पुलिस के पास चला गया तो केस हो जाएगा. क्यों? बिकॉज देर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस. हमने बोला था कि अंदर एक घड़ी लगा देना दीदी, नहीं ना, एक्स्ट्रा छूटी ना उससे.
यस. सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. अच्छा, इसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं भाई. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर मैंने प्रसाद भाई को बोला, प्रसाद भाई ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, मस्त रिकॉर्ड करो. अब मेरे को क्या चाहिए ना, इसके पीछे मस्त एक ब्लैक, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कर देना. उसने कर दिया, तो ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक मेरी दाढ़ी, सब मर्ज होता हुआ दिख रहा है. भाई की सिर्फ इधर से हल्की सी चमड़ी दिख रही है. मेरे को बताओ, मैं प्रसाद भाई के ऊपर केस कर सकता हूँ कि नहीं? आपने कहा नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था. मैंने उसको बताया उसको क्या काम करना था, उसने वो काम कर दिया. यहाँ तक श्योर एकदम? चलिए. सो नाउ यू गाइज नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. डोंट, अभी जब तक अपन, आपको मैं प्रिंट आउट दे देता हूँ, उसके बाद रीडिंग करेंगे. कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अभी मेरे को सिर्फ दो चीज़ें और डिस्कस करने की है. अगर ये दो चीज़ें आपके पास एकदम सही तरीके से आ जाती है, आपने 50% ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उड़ा दी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं बनने वाले हैं. देखते कैसे. एक सेकेंड, मैं सिर्फ हेडिंग निकाल लूँ. जी, अब मेरे को आपके साथ कुछ और टाइटल्स की बात करनी है. नेहा पढ़ा लूं मैं? थैंक यू. अच्छा, कंप्लेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्लेंट? सर शिकायत, मेरे को ही पता है, थोड़ा इन डिटेल बताना. हाँ, कंप्लेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट? अच्छा, मेरे को बताना कि ये कंप्लेंट है कि नहीं, जहां पे, जस्ट अ सेकेंड ना. क्या है यार, जस्ट अ सेकेंड. हां जी, तो माय क्वेश्चन इज, ये बताइएगा कि ये कंप्लेंट कहलाएगी कि नहीं, जहां पे मैं एक शॉप पे गया. आई वेंट टू अ शॉप. मैंने बोला कि भाई मान लीजिए कि एक टी शर्ट देखनी थी मुझे. मैंने कहा टी शर्ट बताइए भाई, MRP पे लिखा है 500 रुपये. वो कह रहा है नहीं, 800 रुपये की है. गलती से गलत MRP छप गया, बनाने वाले का फोन आया था कि पेन से करेक्ट कर देना. इसके लिए कंप्लेन हो सकती है? हो सकती, ठीक है. अच्छा, पर मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, तब भी मैं कंप्लेन के अंदर आ जाऊंगा? आप सोच सकते हैं हाँ ना, हाँ ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ओके, आई आस्क द क्वेश्चन अगेन. कंप्लेंट, सुन, हाँ मूछों वाली औरत सुन तो ले एक मिनट. कंप्लेंट, हमने क्या कहा कंप्लेंट के लिए? मान लीजिए कि आप एक शॉप पे गए हैं जहां पे आपको अनफेयर प्राइस दिखाई गई है. आपको अनफेयर प्राइस दिखाई गई है, आपने अभी तक गुड्स खरीदे नहीं है, आप बस बाहर निकल गए. मेरे को ये पूछना है कि क्या सिर्फ ये अनफेयर प्राइस बताने के लिए आपको कंप्लेंट करने का राइट मिलेगा क्या? क्यों बे, मेरी मर्जी, मेरी दुकान, कुछ भी बोलूं, क्या दिक्कत है? मेरी दुकान है, नहीं बेचना मेरे को 800 से कम में. क्या पब्लिक के लिए? क्या जागो ग्राहक जागो, और ग्राहक जागो, सेलर क्यों जागे? जाके घूमो बार. क्या मतलब, क्यों कंप्लेन कर रहा है? तो मत खरीद. मेरा मेरा प्रोडक्ट है, मेरी मर्जी, मेरा मुंह बोला मैंने. सो आप ही कह रहे हो कि इवन इफ, अगर किसी इंसान ने आपको एक डेजिग्नेटेड प्राइस से ज्यादा प्राइस बताई, तो ये भी एक तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जिसके लिए एक बंदा कंप्लेन कर सकता है. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कंज्यूमर इंक्लूड्स अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर एज वेल, मतलब जो एक बंदा कंज्यूम करने की भावना से गया था और उसे गलत प्राइस बताई गई, वो भी कंज्यूमर है? बिल्कुल है, याद रहेगा. तो आपने बिल्कुल सही कहा जवाब. सो मान लीजिए कि अगर आपको गलत प्राइस बताई गई, ये भी गलत है. अच्छा, आप गुड्स लेने गए, आपको गुड्स देने से मना कर दिया, अब ये भी कंप्लेंट के लिए है? नहीं, क्यों? मैं खरीदना चाहता हूँ गुड्स, मुझे कोई गुड्स नहीं दे रहा. अच्छा, सेलर है. अच्छा देखो, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि आप गुड्स खरीदें, हमें क्या दिक्कत है, हमें गुड्स बेचनी है यार. सो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी, तो सवाल ही गलत है.
अच्छा, इसके अलावा अगर अपन दूसरे आइडियाज में देखें, मैं इक्का दुक्का बारी कंट्रोल करूंगा, पहले बाहर जाओगे उसके बाद 10 दिन आने नहीं दूंगा, अंदर वो लगूंगा। चलो मैं गया, परसों मैंने एक वॉच बाय की, ठीक है, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड कासियो, ठीक है, तो आई वेंट टू दिस कासियो स्टोर, मैंने एक वॉच बाय करी, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ कासियो ब्रांड, तो मैंने जाके एक वॉच बाय की, इट वॉज फॉर अप्रॉक्स 13-14, और वॉच बहुत अच्छी थी, ली मैंने वॉच ली। अच्छा एक सेकेंड, आप नई चीज़ खरीदते हो तो पूछते हो कि भैया सही है कि नहीं है, इट्स ऑब्वियस कि यू आर बाइंग अ न्यू थिंग, ऑटोमेटिकली दिस इज इम्प्लाइड कि वो सब कुछ सही होगा। आई टुक द वॉच, आई वेंट बैक होम, 3 दिन के अंदर वॉच के अंदर, अभी मतलब रिसेंटली टाइम गलत चल रहा है, मशीन इज नॉट फंक्शनिंग फाइन, एंड देर आर डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी। फॉर अ पर्सन लाइक मी जो 12-13 हज़ार पिछले 2 साल से जोड़ रहा था, तब जाके आज वो घड़ी लेके आ पा रहा है, वो घड़ी लेने गया और आज घड़ी लेते वक्त जब आपने 3 दिन के अंदर खराब हो गई, तो एम आई अ कंप्लेनेंट राइट नाउ जो शिकायत कर सकता है इस चीज़ के लिए? यस। तो आपने बोला एक, तो आपको अनफेयर प्राइस बताई गई हो, ये एक सिचुएशन है जिसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, आपने बोला भाई अनफेयर प्राइस तो ठीक है, अगर आपको जो गुड्स दिए गए, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आई एम लिसनिंग। क्या बेटा? हाँ तू बता, किसके खिलाफ करनी चाहिए? जब तू सेलर के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करेगा और सेलर ने तेरे को ओरिजिनल कंपनी की वॉच दी है और कंपनी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो केस कहाँ चला जाएगा बेटा? सही है ना? ठीक है, अभी ये बात हो गई आपकी गुड्स की, कि भाई गुड्स की प्राइस गलत बताई या फिर गुड्स में डिफेक्ट था। बेटा आप सर्विसेज की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप बात कर रहे हैं सर्विसेज की। अच्छा, आप कोई भी सर्विस ले रहे थे और उस सर्विस के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, चाहे गुड्स में डिफेक्ट है चाहे सर्विस में डिफेक्ट है, कोई फर्क है क्या बेटा? दोनों ही केस में आप कंप्लेन कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपको अनफेयर प्राइस बताई जाए, आपको जो गुड्स दिए गए वो डिफेक्टिव हैं, आपको जो सर्विस दी गई वो डिफेक्टिव है, इन सारे केसेस में आप कंप्लेन कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। लास्ट, जो मेरे को एक पॉइंट और डिस्कस करना है बेटा, मान लीजिए कि आपने गुड्स या फिर सर्विस अवेल कर ली है, आपने गुड्स या सर्विस अवेल कर ली है और अवेल करने के बाद आपको पता पड़ता है दैट ए आपको ओवर प्राइज्ड गुड्स दिए गए थे, बाद में पता पड़ा है, बाय करने के बाद में, मान लो कि वो गुड्स कंज्यूम भी कर लिया आप लोगों ने, पर आपको पता पड़ा कि जो कस्टमरी प्राइस इसकी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा आपको पैसे लगाए, क्या अभी भी कंप्लेन कर पाओगे? पर गुड्स तो खा गए सर, गुड्स तो हमने कंज्यूम करने के लिए लिए थे, अगर उसने ईमानदारी वाला पैसा लगाया होता तो हम कभी कंप्लेन नहीं करते, और आज भी हम कंप्लेन किस चीज की कर रहे हैं, दैट वी आर बींग प्राइज्ड एट अ प्राइस एक्स्ट्रा देन दैट ऑफ अदर्स, हमको हमारे पैसे वापस दिला दो, हम तो आज भी बोल रहे हैं हमको गुड्स खरीदने थे, डिफेक्ट नहीं था, आपने क्या कर दिया उस बंदे को, ओवर प्राइस चार्ज कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला ही पॉइंट है जिसको वापस से इन लोगों ने रिपीट किया है आपके मॉड्यूल्स में, जहां इसने बोला कोई गुड्स या सर्विसेज हैं जो डिस्प्ले पे कुछ और प्राइस लगी हुई थी पर जब वो अंदर आए तो उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा प्राइस लगा दी, ये अभी रिसेंटली आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया गया। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज कैसे किया गया? कुछ और बोल के। एक्स्ट्रा चार्ज कैसे किया गया? कुछ और बोल के, ये बच्चे वाला एग्जाम्पल है। सर्विस चार्ज करके एक नाम सुना है? कभी भी आप होटल में खाना खाते हैं तो आपको एक ना सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगाया जाता है, 3%, 4%, 5% के हिसाब से, ठीक है, मैं भी देखता हूँ इंटरनेट, चल। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगाया, क्या बोल के लगाया इन लोगों ने, कि भाई ये तो सर्विस चार्ज है। अच्छा, एक फैक्ट आप याद रखिएगा अबाउट सर्विस चार्ज,
दैट सर्विस चार्ज इज नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस. सर्विस चार्ज एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं है जिसको लॉ मना करता है. अगर कोई भी आपको सर्विस चार्ज लगा रहा है तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं. प्लस आपके पास राइट है कि उसके खिलाफ क्या लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. कंप्लेंट बेटा कहां पे लॉन्च करोगे? कंज्यूमर फोरम के अंदर. वापस से बेटा ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना कंज्यूमर फोरम, अपन ने इसको भी कवर किया है इसके अंदर. अपन आने वाले हैं इसके अंदर. डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल होता है, करेंगे इसमें. बहुत लंबा डिस्कशन है, वो बाद में करेंगे. अभी सिर्फ अपन पहले पूरा चैप्टर का एक बेस ले लेते हैं ताकि उसके बाद रीडिंग मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा अपने लिए. कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में कर पाएंगे. अभी यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो. अभी आपने वो रिसेंटली वो केस भी देखा था जहां पे जो ये लोग अभी बता रहे हैं दैट दो बनानास के लिए इतना चार्ज किया गया और प्लस सर्विस चार्ज भी लगा दिया गया था उसको. मतलब बनाना में क्या सर्विस दी तूने? There was no service offered. Unnecessary service charge was, you know, applied on it. To which उनको fine लगाए. ठीक है. कहाँ पे केस हुआ? Consumer Protection Forum के अंदर केस हुआ था. Sure enough. क्यों? क्योंकि आपने गलत किया. अच्छा, आपने केलो की प्राइस लगाई 350 रुपये और साथ में 100 रुपये के आसपास कुछ सर्विस चार्ज लगाया. केलो की MRP 350 कब हुई? कोई केला MRP के साथ आता है? लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर अंडर दिस दिस कंडीशन एट द MRP ऑफ दिस आउटसाइड महाराष्ट्र 11 रुपीज. नहीं. अच्छा, तो व्हाट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेज कि जो कस्टमरी नेचर का चार्ज है प्लस आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से आप थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, हमें समझ में आता. हम कुछ नहीं कहते, पर सर्विस चार्ज किस बात का लगा है? सर्विस चार्ज तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है. तो याद रखना, होटल को केलो की प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं किया गया. जो उन्होंने सर्विस चार्ज लगाया ना वो गलत था और उसके लिए उनके खिलाफ पनिशमेंट आई है कि सर्विस चार्ज एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. आप उनको स्टेटेड अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते. श्योर? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, थोड़ा सा तेज बोलेगा. अरे बहुत है, आ रहे ना, रुक गया. जो मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया वो सर्विस डिफेक्ट इन सर्विस है. आपने ऑपरेशन करवाने गए पर उन्होंने डिलीजेंस के साथ ऑपरेशन नहीं किया, दिस इज अ डिफेक्ट. आ जाइए, एक चीज और पढ़नी है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे. आपने कंप्लेंट पढ़ लिया. अब यहां पे बेटा एक आपके केस लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है. हु कैन बी अ कंप्लेनेंट? हु कैन बी अ कंप्लेनेंट? हु कैन बी अ कंप्लेनेंट? हां जी बेटा, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या एक कंज्यूमर कंप्लेनेंट बन सकता है? जहन प्रपोज करना है, प्रोस्पेक्टिव. एक कंज्यूमर एनी थर्ड पर्सन, सो एनी थर्ड पार्टी who consumed those goods with the approval of the owner. बेटा यहां पर मैंने गुड्स लिखा है, आप सर्विसेज भी साथ में कंसिडर करेगा. गुड्स एंड सर्विसेज बात बराबर है. सो एनी थर्ड पार्टी जिसने गुड्स को कंज्यूम किया ओरिजिनल बायर के नाम पर, तब भी चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, कंप्लीटली अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं. अच्छा, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लीजिए. क्या अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपके कोई प्रोडक्ट के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. सर इसका कोई एग्जाम्पल है? मैगी. लेड की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई थी, हमने बोला गलत है यार, कंज्यूमर्स के साथ आप गलत कर रहे हो, आप ऐसी चीज उन्हें खाने के लिए दे रहे हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है. चाहे हम कुछ भी बेचें पर मैगी में लेड कम करो. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर अलाउड टू फाइल अ केस. एक मिनट है, बस दो चीजें और रह गई, इनवे डन. हाँ जी, ठीक है, दो चीज और. अब बेटा एक बात समझना, क्या कोई
वॉलंटरी एसोसिएशन, क्या कोई कंज्यूमर्स का वॉलंटरी एसोसिएशन जो साथ में आके काम कर रहा है कंज्यूमर्स की भलाई के लिए, क्या वो भी केस फाइल कर सकता है? कर सकता है क्या? यस, पर एक सेकेंड, इसका टॉपिक मैं एंड में डिस्कस करूंगा, इसमें आपको कुछ एक केस लॉ पैटर्न बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको चिल्लाने के बाद लगता है हरीश सर का लेक्चर है सामने? आ जाए बहुत मारेगा मेरे को, आ जाओ। वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया, एंड लास्ट है, अच्छा, अ कंज्यूमर परचेस्ड, चल मेरी शॉप पे आए हरीश सर और हरीश सर ने कहा कि भाई एक किलो दाल चाहिए, मस्त दाल पैक करके दिया मैंने उसको, येल्लो दाल लेके गए घर, जाके बढ़िया दाल तड़का बनाया, तड़का खाया, जैसे ही दाल में थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, मेरे को भी पता नहीं था, मैं तो भाई ईमानदारी से बेच रहा था, आगे से ही माल में मिलावट आई, भाई खाते ही गुजर गए, कर रहा हूं जिंदा, रुक जाओ, भाई खाते ही गुजर गए, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ना रहा कंज्यूमर जिसने किया था कंज्यूम, ना होगी उसके खिलाफ कंप्लेंट, ऐसा नहीं तो कौन करेगा केस? उनके लीगल एयर। सो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर, उनके लीगल एयर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उनके लीगल एयर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्वाइट अ सिंपल एंड डायरेक्ट पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों एक सेकंड, अब जो मैंने आपको वॉलंटरी एसोसिएशन बताया ना बेटा, इसमें एक फैक्ट हमेशा याद रखना, अगर वो चीज मिसिंग हो तो ये लोग कंप्लेनेंट नहीं बन सकते जो मैं बताने जा रहा हूं। इफ देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने, इफ देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो केस फाइल करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट दे हैव अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट दैट इज एनी गुड्स और सर्विसेस, बेटा इस चीज के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर जितने भी मेंबर हैं, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब उस प्रॉब्लम से इफेक्टेड होने चाहिए। अगर उन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था वो कंप्लेनेंट नहीं बन सकते। आप क्यों बीच में आके रो रहे हो अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो? अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, आप केस फाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि इस एसोसिएशन के अंदर आज जितने भी लोग साथ में हैं उन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट है। उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, यहां तक ठीक है? कोई डाउट नहीं? अगर कॉमन इंटरेस्ट है तो क्या वो ये केस फाइल कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। अब बेटा मैंने बात आपको क्यों बताई? दो रीजंस, एक तो क्योंकि ये मॉड्यूल में है, और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इस एक्ट से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते थे, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। सो MRTP आपका पहला एक्ट था जिसको अब अपन ने रिपील कर दिया है, सही बात है, और उसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया, इफ यू रिमेंबर। तो बेटा जब से MRTP हटा ना, तो MRTP का कुछ हिस्सा कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर चला गया और कुछ हिस्सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आ गया। तो बेटू MRTP एक्ट के अंदर क्या होता था, MRTP एक्ट के अंदर क्या होता था कि अगर कोई एसोसिएशन, देखिएगा, अगर कोई एसोसिएशन वॉलंटरिली सुओमोटो का मतलब समझते हैं, बाय इट्स ओन विल कोई भी केस पुटअप करना चाहती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये कर सकती है। MRTP के अंदर कोई भी एसोसिएशन जो वॉलंटरिली सुओमोटो केस पुटअप करना चाहती है, ये अलाउड था MRTP के अंदर,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला अगर उसको लगी तो तेरी क्यों जली, उसको लगी वो खुद बोलेगा, तेरे को नहीं लगी ना तू उधर बैठ जाके साइड में पहली फुर्सत में। तो यहां पे अपन ने एक ही चीज निकाली कि एमआरटीपी के अंदर कोई भी सुओ मोटो केस कर सकता था, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर एक एसोसिएशन को केस फाइल करना है तो उन लोगों के पास एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, उन लोगों के पास एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उनके पास कॉमन इंटरेस्ट है तो वो केस फाइल कर सकते हैं। इन द इवेंट उनके पास ये कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे केस में नो कंप्लेंट कैन बी लॉस्ट, नो कंप्लेंट कैन बी लॉस्ट। सो फार सो गुड, कोई डाउट? हाँ जी, सोच लें एक बार अगर कोई डाउट हो तो। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंप्लेनेंट, गुड्स एंड सर्विसेस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंप्लेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंज्यूमर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एंड अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिक्स। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, नहीं है? ठीक है, ये था आपके पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्टार्ट से एंड तक का बेस। अब बस इसमें एक चीज अगर आपको और बता दूं तो ये चैप्टर का कंक्लूजन है, दैट इज हमने एडिक्वेट कंज्यूमर फोरम्स बनाए हैं, कंज्यूमर फोरम बनाए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अगर आपके साथ कोई भी गुड्स या सर्विसेज में दिक्कत आई है जिसकी वैल्यू 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं। उससे बड़ा क्राइम, उससे बड़ा नुकसान है 20 लाख से ज्यादा, पर 1 करोड़ से अंदर आप स्टेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है नेशनल की तरफ बढ़ते हैं, याद रहेगा। तो बस ये एंड का है जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अभी हाथ नहीं डालना उसके, अपन आराम से पहुंचेंगे वहां तक। अभी तक के लिए बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं? श्योर इनफ? ठीक है, सो आई थिंक आई हैव यूज्ड माय स्पेयर ऑफ टाइम। आई थिंक अभी तक आपके नोट्स नहीं आए, आई जस्ट टेल प्रसाद दिया, वो आपको नोट्स भेज दे सूरज सर के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आप लोग का बैठने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए मिलता रहेगा, जिंदा रहेगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।